केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। केंद्रीय सूचना आयोग ने CBSE को निर्देश दिया है कि वह स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्रों की जांच की अनुमति दे। साथ ही आयोग ने बोर्ड के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वह व्यक्तिगत सूचना से जुड़ा मामला है। सूचना आयोग ने केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और दिल्ली के पुलिस चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल को भी निर्देश दिया है कि वो ईरानी का रोल नंबर या रेफरेंस नंबर CBSE अजमेर को उपलब्ध कराए। आयोग ने बोर्ड की उस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि व्यक्तिगत सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलु ने अपने आदेश में CBSE से कहा कि निर्देश जारी होने के बाद से 60 दिनों के भीतर जांच से जुड़े दस्तावेज पेश किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर एडमिट कार्ड पर घर का पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसी सूचनाएं हो तो ये व्यक्तिगत सूचनाएं हैं और इसे देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र या अंक पत्र में पास होने की श्रेणी, वर्ष, अंक और पिता के नाम से जुड़ी सूचनाओं को व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब तक जनप्रतिनिधि अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक करता है तो मतदाताओं को उसकी जांच करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि ईरानी एक सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं जो सूचना कानून अधिकार के तहत पब्लिक अथॉरिटी है, इसलिए उनको अपनी शैक्षिक योग्यता की घोषणा संबंधी शपथ पत्र देकर संवैधानिक जिम्मेदारियों को जरूर निभाना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के स्कूली प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जांच के बाद साफ हो पाएगा कि स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता क्या है। देखते रहिए DB Live।